हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज अम्मी अब्बू कहीं जा रहे हैं किसी अर्जेंट काम से, तो इसलिए आज बहुत जल्दी उठना पड़ा। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। चलिए नीचे जाना पड़ेगा, हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं और आज बारिश इतनी हो रही है सुबह से, देखिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आज। तो चलिए अभी अम्मी अब्बू को बाय करके आते हैं, नीचे चलते हैं। तो गाइज हम छाते में जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो एक मिनट हम दिखाते हैं कैसे अम्मी अब्बू जा रहे हैं। हम अम्मी अब्बू को छोड़ने जा रहे हैं, तो वेट करिए। ये हम रोड पे जा रहे हैं, काफ़ी बारिश हो रही है तो ऑटो भी मिलना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, तो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, देखिए कितना पानी भरा हुआ है रोड पे, आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है। तो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ, काफ़ी बुरा हाल है हमारे एरिया का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अम्मी अब्बू वेट कर रहे हैं, ये अब्बू हैं और अम्मी अम्मी, हाँ ये हमारी अम्मी हैं। ये लोग जा रहे हैं किसी काम से बाहर। देख सकते हैं काफी दूर तक पानी भरा हुआ है, तो हम थोड़ी देर वेट करने वाले हैं। हेलो गाइस, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि जोया अगर चैलेंज जीतती है तो उसे कुछ सरप्राइज मिलेगा, तो उसे मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए मसालेदार मैक्रोनी बनाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ। ज़्यादा चीज़ी वगैरह नहीं बनाती क्योंकि उसको इंडियन स्टाइल वाली पसंद है, तो हम बनाएंगे मसालेदार एकदम स्पाइसी वाली मैक्रोनी। तो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ। और ये है जीरा, इसमें तड़का लगाने के लिए पहले हम जीरा डालते हैं, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये है थोड़े से मसाले, इसमें है ये पिसा हुआ धनिया और ये है हल्दी और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी है, कुटी हुई लाल मिर्च है सॉरी, और एक है कश्मीरी लाल मिर्च, तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये एक पैकेट मैंने लिया है मैगी मसाला, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जब लास्ट में आपकी मैक्रोनी बन जाए तो थोड़ी देर पहले आप इसे डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसे। देखते हैं कैसे बनाते हैं रेसिपी मैक्रोनी की। तो चलिए रख दिया और उसमें डाल दिया तेल, तेल भी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम डालेंगे ये जीरा। हमें तब तक वेट करना है जब तक ये जीरा पूरा फूट नहीं जाता अच्छे से, थोड़ा ब्राउन नहीं जाता, कलर जब तक चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, गैस हम थोड़ी हाई पे रखेंगे अभी। जीरा हो चुका है और अब हम ये इसमें डाल देते हैं प्याज। और ये मैंने प्याज डाल दिया, तो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती, और ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टमाटर। प्याज हो चुके हैं एकदम ब्राउन और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर और हल्दी। फ्लेम हम थोड़ी हाई कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और इसी टाइम पे हमें डालना है नमक ताकि टमाटर गल जाए, क्योंकि टमाटर गलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप चाहें तो टमाटर को प्योरी करके भी डाल सकते हैं, नमक डाल देते हैं इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है नमक, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले। टमाटर ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, अब टाइम है इसमें थोड़े से मसाले डालने का। तो ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये थोड़ा सा हल्दी है और ये मिर्च है और ये धनिया है, तो ये हम डाल देते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। ये अच्छे से भून नहीं जाता जब तक इसको पकाते हैं, क्योंकि जब तक मसाला भूने का नहीं अच्छा टेस्ट मिलेगा, मतलब अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में मसाले, हम इसमें डाल देते हैं ये मैक्रोनी।
इसको चला लेंगे, अच्छे से इसमें मसाला मिला लेंगे और ये हो गई रेडी। अब आपको खाना में दिखाऊंगी बनने के बाद ये कैसी लगेगी और टेस्ट कराएंगे जोया से, क्योंकि उसके लिए तो देखते हैं। रोनी हो गई है तैयार, देखिए। और अब हम चलते हैं जोया को टेस्ट करवाने के लिए और देते हैं उसको सरप्राइज। अभी रख देते हैं, ये मैंने तैयार करके रख दिया है ये दस्तरखान। और चलिए पहले उसे बुला के लेके आते हैं। जोया इधर आओ, आपके लिए है एक सरप्राइज। ये है आपके लिए मैक्रोनी, मेरी टेस्टी मैक्रोनी। और ये दोनों हैं मेरे कजन्स, और ये मैक्रोनी का नाम सुन के ये भी आ गए हैं खाने के लिए। तो सारे टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है मैक्रोनी। मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी है। झूठ तो नहीं बोल रहे? बहुत अच्छी है। कैसी लगी अल्तमाश? बहुत अच्छी है। अयान कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलो और जोया तुम्हें कैसी लगी? बहुत ही, मैं सारी खा जाऊं लेकिन मुझे खिलानी पड़ेगी इनको भी। चलो एक चम्मच मुझे भी खिला के दिखाइए कैसी लगी, मैं भी तो देखूं। टेस्टी तो है, वाह। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कैसे मैक्रोनी बनाते हैं और इसके अंदर और क्या क्या चीजें मैं डाल सकती हूँ। और ये मैक्रोनी तो बहुत ही अच्छी बनी है, आप भी ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम खाने। शाम के बज रहे हैं 7 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट घर के लिए थोड़ी सी सब्जियां लेने के लिए। अम्मी अबू सुबह बाहर गए हैं किसी काम से 2-3 दिन के लिए, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो वो तो 1-2 दिन बाद ही आएंगे, तब तक के लिए हमें सारा काम करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं मार्केट और आपको दिखाते हैं हम कैसे सब्जियां लेते हैं क्योंकि हमने कभी सब्जियों की शॉपिंग नहीं करी है, बाकी सारी शॉपिंग तो बहुत बार की है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट, देखते हैं आज बाजार लगा है या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। अभी तो इस रोड पे तो नहीं है फिलहाल, चलो देखते हैं। तो मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है आज भी का, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मार्केट से हम लोग आ चुके हैं सब्जियां लेके, और अब खाना बनाने जाना है। 7:30 से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और जल्दी जल्दी अब खाना बनाना है। हम दोनों अकेले हैं और एक हमारा भाई है बस, तो हम तीनों को अपने लिए खाना बनाना है। और ज्यादातर तो वैसे हमारी अम्मी खाना बनाती थी, आज हमें खाना बनाना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं। अभी सोचते हैं कि क्या बनाना है, पहले देखते हैं क्या क्या सब्जियां हैं फिर खाना बनाते हैं। चलो मिलते हैं फिर आपसे डिनर के टाइम पे। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है हमारा और 10:30 बज रहे रात के, पर अभी भी भूख तो नहीं लगी थी। मैं चिकन बनाया था, सब्जियां नहीं बनाई थी। बेकार बना था चिकन, ऐसा बहुत अच्छा बना था। खुद को कुछ खाना बनाना आता नहीं और मेरे खाना बनाने में कमी निकाल रही है। तो खा चुके हैं हम, थोड़ा बहुत खाया क्योंकि अम्मी अबू नहीं थे घर पे, तो इसलिए भूख ज्यादा नहीं लग रही थी। और अभी अब जा रहे सोने के लिए, सोने बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि हम सारा काम दोनों ने ही करा है आज। मैंने करा, नींद आ रही है, कुछ नहीं करा है, दोनों ने करा है, कुछ भी नहीं करा तुमने। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए हमें सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।